हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। हैप्पी महालया टू यू ऑल। बहुत एंजॉय करो आप सब दुर्गा पूजा नवरात्रि में। माता रानी ने अब सबकी झोलियां खुशियों से भर दे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, मैं यही प्रे करती हूँ। आज मैं आपसे एक रोहू फिश करी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो बहुत ईजी है, तो आप सब ट्राई करो। फ्रेंड्स, मैं ये फिश करी में पहले मैंने ये फिश रोहू फिश लिया है और आप जैसा मन चाहे आप पीसेस ले सकते हो। तो मैं ये 20 मिनट्स नमक और हल्दी से थोड़ा सा मिक्स करके रखा है, मैरिनेट करके। अब मैं इसको ये ऑयल डाल दिया है मैंने, ये सब मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी। तो मैं ये दोनों साइड करके मैं दोनों साइड फ्राई कर लूंगी, तो मेरा 50-60% फिश फ्राई कुक हो जाएगा फ्राई करते टाइम, बाकी मैं फिर करी में कुक हो जाएगा। मैंने दोनों साइड इस तरह फिश को फ्राई कर लिया है और मैं इसको निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये आलू ऐसे काट के धो के रखे हैं, तो ये भी मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी। और ये मैं फ्रेंच फ्राइज के आलू से थोड़ा सा मोटा काटा है, फ्रेंच फ्राइज के शेप में ही है बस इसको थोड़ा मोटा, तो ये भी मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूंगी। फ्राई करके ये भी हम निकाल लेंगे। मैंने ऐसे आलू को भी 1 से 2 मिनट तक मैंने ऐसा फ्राई कर दिया है और इसको भी मैं निकाल रही हूँ। आप ये फिश रेसिपी आपको मस्टर्ड ऑयल से करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल से ही किया है। इधर मैं थोड़ा सा कलौंजी काला जीरा डाल रही हूँ और ये एक ग्रीन चिली डाल रही हूँ। इसमें मैंने एक बड़ा सा अनियन पेस्ट कर लिया है, ये डाल रही हूँ। अगर अनियन मीडियम साइज का है तो आप दो डालिए। अनियन को हम थोड़ा भून लेंगे 3 मिनट तक। फ्रेंड्स, प्याज के साथ मैंने 1 इंच का अदरक भी पेस्ट कर लिया था, तो मैं साथ ही में पेस्ट कर ली थी अदरक और अनियन। और इसमें मैं एक बड़ा टमाटर डाल रही हूँ और मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो आप देख के डालिए, क्योंकि फिश को मैरिनेट मैंने हल्दी और नमक से किया था, तो अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ। और ये भी हम अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा हल्दी और ये थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। हम बस इतना ही मसाला रखेंगे, नहीं तो ये फिश का जो डेलिकेट फ्लेवर है वो ओवर पावर हो जाएगा। तो बस इतना ही मसाला डालेंगे और हम कुछ नहीं डालते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसको भून के पानी डाल दूंगी। मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। और हम इसमें हमारा फ्राइड पोटैटोस डाल देंगे। फिश भी डाल देंगे, हम फिश को तो हमारा 50% फिश फ्राई है कुक है, तो हम इसको 1-2 मिनट तक ही
हम ये मीडियम फ्लेम में रखते हैं और लेट लगा देते हैं। मेरा पोटैटो फिश दोनों सॉफ्ट हो गया है, मैं अभी गैस को बंद कर दूंगी और मैं ये थोड़ा सा चॉप्ड करियंडर डाल रही हूँ और 10 मिनट्स मैं ये रेस्टिंग टाइम में रख दूंगी, उसके बाद हम ये राइस के साथ खा सकते हैं। तो ये जो मैंने ये बताया, जो प्रोसेस बताया बनाने का, ये एक्चुअली मीठी पानी में ही फिश जो है वो उससे बनाने से ही अच्छा लगता है, जैसे रोहू कातला या जो जिसमें कांटा नहीं रहता है, रिवर सोल मच्छी के साथ भी आप बना सकते हैं, रिवर सोल फिश, तो उसके साथ भी ये अच्छा जाता है। तो ये रिवर वाटर फिश के साथ ही ये अच्छा लगता है, तो आप वही फिश से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आर लंच इज रेडी एंड सर्व्ड। ये फिश करी और राइस, तो ये फिश करी नहीं बोल सकते, इसको हम फिश का झोल बोलते हैं। झोल मतलब थोड़ा सा पतला करी जो राइस से हम खाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।